अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे सेशन। और आज के सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन से, केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स में पहला चैप्टर, दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ यू नो, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि पीरियोडिक टेबल जो हमारे पास है, जिसमें हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स एंड इन द फॉर्म ऑफ पीरियड्स, we have in addition to this classification classified elements into four different blocks which we name as S block, P block and D block. This is the general outline of the modern periodic table, and you can see here elements have been arranged in different groups and in the form of periods. Theek? In addition to this classification, we have classified them into four blocks. Left side pe jo block hai, This block is known as S block elements. ठीक, बीच वाला जो block है, this is known as D block. Right side पे जो block हमारे पास है, this block is known as P block elements. और नीचे जो इस periodic table के बॉटम पे हमने ग्रुप रखा है, ब्लॉक रखा है, दिस ब्लॉक इज कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, सबसे पहले वी मस्ट बी नोइंग व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू फोर ब्लॉक्स। ठीक, वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन टू दिस इज दैट वी हैव क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ द एंट्री ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिक्यूलर सबशेल। ठीक, मतलब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में जाता है, उसके बेसिस पे हमने एलिमेंट्स को डिफरेंट ब्लॉक्स में कैटेगराइज किया है। ठीक, यू नो, हमारे पास जो भी एलिमेंट्स है उनमें या तो एस सबशेल की फिलिंग होती है, या पी सबशेल की फिलिंग होती है, या डी सबशेल की फिलिंग होती है, या एफ सबशेल की फिलिंग होती है। ठीक, तो अगर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एस सबशेल के अंदर चला जाता है, उन एलिमेंट्स को हम कैटेगराइज करते हैं इन एस ब्लॉक, जिन एलिमेंट्स में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन पी सबशेल के अंदर चला जाता है उन एलिमेंट्स को हम कैटेगराइज करते हैं इनटू पी ब्लॉक, जिनमें लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन डी सबशेल के अंदर चला जाता है वी कैटेगराइज देम इनटू डी ब्लॉक, और जिनमें लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल के अंदर चला जाता है हम उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। ठीक, तो सबसे पहली चीज, इफ वी हैव टू डिफाइन व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, सो वी कैन सिंपली से एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन, इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज ए डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। सो एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स विच सबशेल, एंटर्स एस सबशेल ऑफ द वैलेंस शेल, एस सबशेल ऑफ द वैलेंस शेल। ठीक, तो लास्ट शेल के एस सबशेल में जिन एलिमेंट्स के अंदर लास्ट शेल के एस सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है, उनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। ठीक, नाउ इफ वी लुक एट द एस सबशेल, यू नो एस सबशेल के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, ठीक है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एस ब्लॉक के अंदर दो ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सो इन एस ब्लॉक देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, एक ग्रुप को हम नाम देते हैं ग्रुप वन, this is the first one, that is group 1 elements, and this is the second one, that is called as group 2 elements. Theek, so S block ke andar hamare paas do groups of elements hai, group 1 elements and group 2 elements. Theek, let's take an example. For example, agar hum lithium ki baat kare jo group 1 ke andar paya jata hai, aur beryllium ki baat kare jo group 2 ke andar paya jata hai, let's take the example लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, आई विल राइट इट एज 1s2 देन 2s1। दैट मींस लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस सबशेल के अंदर जा रहा है? लास्ट शेल के एस सबशेल के अंदर। सो आई कैन कॉल इट एज एन एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, अगर मैं बेरिलियम की बात करूं जो कि ग्रुप 2 के अंदर पाया जाता है विद द एटॉमिक नंबर 4, एंड इफ आई राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट विल बी 1s2 2s2।
इसमें भी जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जा रहा है किस सबशेल के अंदर जा रहा है, एस सबशेल के अंदर, बिलोंगिंग टू द वैलेंस शेल, दैट इज द सेकेंड शेल। ठीक इसी तरीके से अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें, इट विल बी 1s2 2s2 2p6 3s1। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन लास्ट वाली शेल के एस सब शेल के अंदर जा रहा है, इट इज एन एस ब्लॉक एलिमेंट। मैग्नीशियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन यहां तक सेम होगी 3s2, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एस सबशेल के अंदर चला जा रहा है। दैट मींस एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एस सबशेल ऑफ द वैलेंस शेल। ठीक, एंड इट इंक्लूड्स हाउ मेनी ग्रुप्स, इट इंक्लूड्स टू ग्रुप्स, नेमली ग्रुप वन एलिमेंट्स एंड ग्रुप टू एलिमेंट्स। ठीक, अगर हम इनकी जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन, तो आपने अभी देखा दिस वाज ग्रुप वन एलिमेंट, दिस वाज ग्रुप टू एलिमेंट, ये ग्रुप वन एलिमेंट था, ये ग्रुप टू एलिमेंट था। तो इसके लास्ट शेल के अंदर एस में एक है, इसके लास्ट शेल के एस में दो है, इसके लास्ट शेल के एस में एक है, इसके लास्ट शेल के एस में दो है। दैट मींस जिस किसी एलिमेंट के एंथ शेल के एस सब शेल के अंदर या तो एक या दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज एन एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, सो द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स इज ns1 to 2। ठीक, नाउ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे हम बात करेंगे दो खास एलिमेंट्स की। मैं वापस जाता हूं पीरियोडिक टेबल पे, एलिमेंट नंबर वन दैट इज हाइड्रोजन एंड एलिमेंट नंबर सेकेंड दैट इज हीलियम। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं हाइड्रोजन और हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके साथ शेयर करूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1। हीलियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 2, कॉन्फ़िगरेशन 1s2। तो इनके अंदर भी लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस सबशेल में, इसमें भी लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाता है। बट यू विल रिमेंबर दैट जब भी हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम को हम एक्सक्लूड करते हैं, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एस ब्लॉक एलिमेंट्स। व्हाट इज द रीजन, रीजन यहां पे ये है कि जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, आपने पढ़ा है 10th क्लास में, आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा है कि जो हाइड्रोजन एलिमेंट होता है इसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में एनोमलस होती है। ठीक, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स यानी ग्रुप वन मेटल्स के साथ भी मैच करती है और इसकी प्रॉपर्टीज ग्रुप 17 एलिमेंट्स यानी हैलोजन्स के साथ भी मैच करती है। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टीज में अल्कली मेटल्स की तरह भी होता है और हैलोजन्स की तरह भी होता है और इसकी पोजीशन जो है वो एनोमलस होती है। ठीक, बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स, ठीक, इसको एक्सक्लूड किया जाता है और इसको अलग से पढ़ा जाता है एज ए सेपरेट चैप्टर हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपने देखा होगा आपके सिलेबस में एक और चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट इज हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन को सेपरेटली पढ़ा जाता है क्योंकि इसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में एनोमलस है, हालांकि इसमें भी लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एस सबशेल के अंदर चला जाता है। ठीक, इसी तरीके से अगर हीलियम की बात करें, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 एंड यू नो हीलियम को कहां पे रखा जाता है, अंडर नोबल गैसेस। ठीक है ना, इनको नोबल गैसेस के साथ रखा जाता है। रीजन ये है कि हीलियम की कोई भी प्रॉपर्टी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह नहीं होती है, इसकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज किन की तरह होती है, नोबल गैसेस की तरह होती है। तो इसकी भी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है एस ब्लॉक एलिमेंट से, इसीलिए हम इनको एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, तो जब भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात होगी, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के हम ग्रुप वन और ग्रुप टू एलिमेंट्स की ही बात करेंगे। ठीक है ना, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। ठीक, नाउ लेट्स मूव अहेड। अगर हम बात करें, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, अल्कली मेटल्स। ठीक है ना, फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स की हम बात करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और इनके अंदर जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है जो कि एनसीईआरटी ने मेंशन किया है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज ग्रुप वन एलिमेंट्स, ग्रुप वन एलिमेंट्स जिनका एक और नाम है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स। ठीक, इनको एक और नाम भी दिया जाता है, शाबाश, अल्कली मेटल्स। ठीक है ना, नाउ कहां पे होते हैं ये पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट पे होते हैं। दिस ब्लॉक
और दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ व्हाट वी कॉल एज ग्रुप वन और अल्कली मेटल्स. तो अगर मैं बाहर निकालूं इनके अंदर कौन कौन आता है, लिथियम एलिमेंट है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रेंशियम है. ठीक है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, दीज आर व्हाट वी कॉल एज ग्रुप वन एलिमेंट्स और अल्कली मेटल्स. ठीक है ना, नाउ द थिंग इज व्हाई डू वी कॉल देम एज अल्कली मेटल्स, इनको अल्कलीज क्यों बोलते हैं, अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं. सबसे पहली बात तो ये कि ये सारे एलिमेंट जो है दे हैव मेटालिक कैरेक्टर, बहुत अच्छे मेटल्स होते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज मेटल्स. ठीक, नंबर सेकेंड इज अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं. अल्कली जो है, अल्कली वर्ड जो है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम एन अरबिक टर्म अल्कली. ठीक है, अल्कली का मतलब होता है अरबिक में बेसिक. शाबाश, अल्कली का मतलब होता है बेसिक. ठीक, तो जो भी अल्कली मेटल हम जब भी हम इनके ऑक्साइड्स को या इन अल्कली मेटल्स को वाटर में डालते हैं, ठीक है ना, वाटर में जाने पे वो एक बेसिक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं. ठीक है ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं सोडियम की अगर बात करूं, सोडियम मेटल को अगर हम वाटर के अंदर डालेंगे, ठीक है, व्हाट विल हैपन, इट विल रिएक्ट विद वाटर एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. नाउ सॉल्यूशन के अंदर क्या चीज बन गई, सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर, विच इज बेसिक इन नेचर. सिंस देयर सॉल्यूशंस इन मेटल्स के या इनके ऑक्साइड्स के सॉल्यूशंस वाटर में बेसिक इन नेचर होते हैं, इसीलिए हम इनको एक और नाम भी देते हैं, अल्कलीज का नाम भी देते हैं, क्योंकि अल्कली का मतलब होता है बेसिक. ठीक, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स. ठीक, नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अल्कलीज हर कोई बेस अल्कली नहीं कहलाता है. हाँ, हर कोई अल्कली जो है वो बेसिक होता है. क्या मतलब, अगर मैं इसकी बात करूं, आई कैन कॉल इट एज ए बेस और आई कैन कॉल इट एज एन अल्कली. ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं, ऑब्वियसली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है इट इज ऑल्सो ए बेस, ये भी एक बेसिक सॉल्यूशन होता है क्योंकि इट प्रोड्यूसेस OH नेगेटिव आयन्स इन द सॉल्यूशन. ठीक है ना, सो दिस इज ए बेस, बट बीइंग ए बेस आई कैन नॉट कॉल इट एज एन अल्कली बिकॉज अल्कलीज इज द स्पेसिफिक टर्म यूज्ड फॉर बेसिक सॉल्यूशंस ऑफ अल्कली मेटल्स ओनली. ठीक है, सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट ऑल अल्कलीज, हर कोई अल्कली यानी अल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड, ऑल अल्कलीज आर बेसिस, हर कोई अल्कली क्या होती है बेस, बट ऑल बेसिस हर कोई बेस जो है आर नॉट अल्कलीज. ठीक है, हर किसी बेसिक सॉल्यूशन को हम अल्कली का नाम नहीं दे सकते हैं. ठीक, सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स और ग्रुप वन एलिमेंट्स. ठीक है ना, तो हमने देखा ग्रुप वन एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके एक्वस सॉल्यूशंस जो होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर और बेसिक के लिए एक और टर्म यूज होती है अल्कली. सो जितने भी अल्कली मेटल्स के सॉल्यूशंस होते हैं उनको अल्कलीज कहते हैं, मगर इनके बगैर जितने भी बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम अल्कलीज का नाम नहीं दे सकते हैं. ठीक, नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे इन अल्कली मेटल्स की एबंडेंसेस के बारे में कि ये नेचर में कितने एबंडेंस में पाए जाते हैं. ठीक, सबसे पहले बात अगर हम करें सोडियम की, सोडियम एलिमेंट जो है इट इज द सेवेंथ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थस क्रस्ट. ठीक है ना, दिस इज द सेवेंथ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थस क्रस्ट. पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम जो होता है इट इज द eighth most abundant element in the earth's crust. ठीक, बाकी जो है lithium, rubidium, cesium और francium, they are found in trace quantities. ठीक, so lithium, rubidium, cesium and francium, they are found in traces. ये बहुत कम क्वांटिटी में नेचर में पाए जाते हैं. ठीक है, नंबर सेकेंड, इन एलिमेंट्स में जो francium है, ठीक है ना, फ्रेंशियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इट इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट. तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट किन को कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हम उन एलिमेंट्स को कहते हैं विच आर अनस्टेबल, जो ऑटोमेटिकली नेचुरली डिकम्पोज हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं एंड दे गिव राइज टू, वो लिबरेट करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ
रेडिएशंस, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो फ्रांशियम जो होता है रेडियो एक्टिव होता है, ये रेडिएशंस के थ्रू डिसइंटीग्रेट हो जाता है, दैट मींस इट इज हाईली अनस्टेबल। और इसकी हाफ लाइफ जो होती है, इसकी हाफ लाइफ जो है that has been found to be equal to 21 minutes. What do you mean by half life? Half life का मतलब होता है कि कितने time में इसकी quantity पहले के मुकाबले में half हो जाएगी, ठीक है? Let's say for example, अगर मैंने francium का 1 gram लिया, ठीक है, 21 minute के बाद वहां पे 1 gram francium नहीं रहेगा, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, और वहां पे 21 मिनट के बाद हमें कितना मिलेगा, 0.5 ग्राम्स, ठीक। फिर अगले 21 मिनट के बाद 0.5 का हाफ रहेगा, दैट इज 0.25, उसके 21 मिनट के बाद 0.25 का हाफ रहेगा, दैट मींस इट इज वेरी मच अनस्टेबल एंड इट कंटिन्यूअसली गोज ऑन डिसइंटीग्रेटिंग इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द एबंडेंसेज ऑफ दीज एलिमेंट्स। सोडियम एंड पोटेशियम आर मोस्ट एबंडेंट अमंग द अल्कली मेटल्स, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स दे आर फाउंड इन लेस क्वांटिटीज, ट्रेस क्वांटिटीज, फाइन, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम बात करेंगे इनके बारे में, दैट इज देयर ओर्स, ठीक। यू नो अल्कली मेटल जो होते हैं दे आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक। और जो भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में रिएक्टिव होते हैं, जो भी एलिमेंट्स रिएक्टिव होते हैं वो रिएक्शन के बगैर नहीं रह सकते, ठीक है। आप किसी भी अल्कली मेटल को अगर एटमॉस्फेयर में एज सच रखोगे, एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वो उनके साथ कंबाइन होगा, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम नेचर में कहां पे पाते हैं, अर्थस क्रस्ट में मोस्टली। अर्थस क्रस्ट में वो किस फॉर्म में रहते हैं, सिंस दे आर मोस्ट रिएक्टिव दे विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द कंबाइनड स्टेट, ठीक। और उसी कंबाइनड स्टेट को, जिस कंबाइनड स्टेट में एक मेटल अर्थस क्रस्ट में पाया जाता है, उसको हम उसका ओर कहते हैं, ठीक है। तो किन ओर्स के फॉर्म में, किन ओर्स के फॉर्म में ये पाए जाते हैं, इसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग, आपको फॉर्मूलाज दिए गए होंगे, आपसे पूछा जाएगा इनमें से बताइए कौन सा ओर किस एलिमेंट का है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, ज्यादा और उसकी हम बात नहीं करेंगे। सबसे पहले अगर हम लिथियम की बात करें, लिथियम चूंकि मैंने पहले ही बताया ये ट्रेस क्वांटिटीज में प्रेजेंट होता है, बट स्टिल वी विल ट्राई टू रिमेंबर टू इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ लिथियम, ठीक। नंबर वन दैट इज कॉल्ड एज स्पोडियोमीन, नंबर वन इज द स्पोडियोमीन। स्पोडियोमीन इज द ओर ऑफ लिथियम एंड व्हाट इज इट्स कंपोजिशन, इट इज लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है ना। लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स जो होते हैं दैट इज स्पोडियोमीन, ठीक है। नाउ LiAlSiO3 होल ट्वाइस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ओर ऑफ लिथियम विच इज नोन एज स्पोडियोमीन, फाइन, ठीक है। नेक्स्ट वन लेपिडोलाइट, लेपिडोलाइट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एन ओर ऑफ लिथियम। लेपिडोलाइट क्या होता है, Li2Al2SiO3 होल ट्वाइस, साथ में इसके साथ FOH होल ट्वाइस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो बात समझ रहे हैं आप, लिथियम इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ टू मेन ओर्स, स्पोडियोमीन एंड लेपिडोलाइट। इसके बगैर भी और भी बहुत सारे ओर्स है, बट यू विल ट्राई टू रिमेंबर दीज टू, फाइन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सोडियम की, सोडियम के ओर्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, ठीक। नंबर वन द फर्स्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ सोडियम इज सोडियम क्लोराइड, जहां से हम सोडियम को आइसोलेट करते हैं। सोडियम क्लोराइड एज एन ओर ऑफ सोडियम इज नोन एज रॉक सॉल्ट, ठीक है ना। एज अ कंपाउंड यू विल कॉल इट एज सोडियम क्लोराइड, बट एज एन ओर ऑफ सोडियम यू विल नेम इट एज रॉक सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज बोरेक्स, बोरेक्स ए वेरी इंपॉर्टेंट वन, Na2B4O7, 10 टाइम्स वॉटर। बोरेक्स इज अनदर इंपॉर्टेंट ओर ऑफ सोडियम, ठीक है। नेक्स्ट इज चिली साल्ट पिटर, चिली साल्ट पिटर, ठीक है ना। चिली साल्ट पिटर का नाम है Na, इसका फॉर्मूला है NaNO3, पूछा जाता था ये एग्जाम्स जब CET होता था तो उसमें पूछा जाता था, ठीक है ना। चिली साल्ट पिटर की कंपोजिशन क्या है, मे बी नीट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो यू विल रिमेंबर रॉक साल्ट इज सोडियम क्लोराइड, बोरेक्स इज Na2B4O7, 10 टाइम्स वॉटर, चिली साल्ट पिटर NaNO3, सोडियम नाइट्रेट एज एन ओर इज नोन एज चिली साल्ट पिटर, ठीक है। नेक्स्ट इज मिराबलाइट, मिराबलाइट,
ठीक है, मिराबिलाइट की कंपोजिशन क्या है, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट इज मिराबिलाइट, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रोना, एक और एग्जांपल है, एक और इंपॉर्टेंट ओर है, दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट अलोंग विद 2 moles ऑफ वाटर, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट विद 2 moles ऑफ वाटर, यू विल कॉल दिस एज ट्रोना। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ सोडियम, वेरी नाइस, ठीक। लेट्स मूव अहेड, लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम का इंपॉर्टेंट ओर जो है दैट इज KCl, और KCl का नाम क्या होता है एज एन ओर, दिस इज नोन एज सिल्वाइट और सिल्वाइन, सिल्वाइट और सिल्वाइन। एक और ओर है दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ KCl एंड NaCl, बट दिस इज नोन एज सिल्विनाइट, ठीक है। सिल्वाइट इज ओनली KCl, सिल्विनाइट इज KCl along with NaCl, ठीक है। नेक्स्ट ओर इज कार्नलाइट, ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, कार्नलाइट KCl MgCl2 6 times water. So you will try to remember these names: sylvite, sylvinite, carnallite. ठीक है? These are some important ores of alkali metals: lithium, sodium और potassium, rubidium और cesium. चूंकि बहुत कम quantity में present होते हैं, उनके ores हमारे लिए उतने ज़्यादा important नहीं हैं. ठीक है? Now let's take a look to some other things. Now we'll be discussing the electronic configuration, their general electronic configuration. किनकी electronic configuration? Alkali metals की, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास है lithium, atomic number 3 होगा, तो configuration क्या होगी, 1s2 2s1, तो last shell के अंदर आप देख रहे हो एक electron जा रहा है, ठीक है। Now मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं shortcut में, in terms of noble gas core configuration, helium, क्योंकि 1s2 किसकी कॉन्फ़िगरेशन है, हीलियम की, आई कैन राइट इट एज हीलियम 2s1, हीलियम 2s1, वेरी गुड, हीलियम 2s1, ठीक, हीलियम 2s1, सो दिस इज नॉट विजिबल, हीलियम 2s1, ठीक। नेक्स्ट इज सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 देन 3s1, और आई कैन राइट इट एज neon, then 3s1. Similarly, potassium, atomic number 18 तक आता है, argon, तो I can write it as argon 4s1. Then you have rubidium, atomic number 37, and I can write it as krypton 5s1. इसी तरीके से हमारे पास है, then cesium, what will be the configuration? Very simple. Xenon, then you have 6s1. Xenon 6s1. इसी तरीके से cesium के नीचे francium जो है, उसकी configuration क्या होगी? Helium, neon, argon, krypton, xenon. Then you have radon 7s1. Radon 7s1. तो simply आपसे पूछा जा सकता है board exams में कि बताइए general electronic configuration of alkali metals, आप लिख के दे दीजिए, ठीक है ना? बात clear होगी? Very simple, ठीक? Let's move ahead. Now what we'll be discussing is atomic or ionic size. Atomic size or ionic size हम discuss करेंगे किनका, alkali metals का, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, periodic properties में आपने पढ़ा है कि किसी भी period में जो सबसे पहला element होता है वो alkali metal होता है, और last पे noble gases होते हैं, ठीक है। और सबसे पहला एलिमेंट यानी अल्कली मेटल जो होते हैं उनका एटॉमिक साइज पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम लिखेंगे, अल्कली मेटल्स का दे हैव लार्जेस्ट, शाबाश, दे हैव लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, लार्जेस्ट एटॉमिक साइज इन ए पीरियड, लार्जेस्ट एटॉमिक साइज इन ए पीरियड। एक पीरियड में अल्कली मेटल एलिमेंट का सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज होता है, ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट, अगर हम साइज की बात करें डाउन द ग्रुप, यानी लिथियम से जब मैं सोडियम की तरफ जाऊं, सोडियम से पोटेशियम की तरफ जाऊं, पोटेशियम से रुबिडियम की तरफ जाऊं, रुबिडियम से सीजियम, सीजियम से फ्रेंशियम, डाउन द ग्रुप क्या होगा, शाबाश, वेरी सिंपल, पढ़ा है आपने, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज गोज ऑन increasing, ठीक है ना। What is the reason? The reason is very simple. जब आप नीचे जाते हो, हर एक step पे एक extra shell increase हो जाती है, number of shells goes on increasing, as the number of shells goes on increasing, the atomic size also increases, ठीक है। So down the group, I'll use the shortcut DTG,
down the group. Atomic size increases. Atomic size increases. Down the group, atomic size increases. What is the reason? The reason is because the number of shells, the number of shells increases. Very good. The number of shells increases. That is why the atomic size increases. Theek? So what will be the order? The order will be lithium ka size sabse chota, usse bada hoga sodium, usse bada hoga potassium, then you have rubidium, then cesium, then francium. This will be the order of the atomic sizes. ठीक है ना? What about the ionic size? You know, अगर हम alkali metals की बात करें, अभी आपने देखा, उनकी last shell में सिर्फ एक electron होता है, so they are always trying to get rid of that electron, so that they will achieve the nearest noble gas configuration. ठीक? मैं वापस जाता हूँ electronic configurations पे. You can see ये एक electron lose करेगा तो helium की तरह बनेगा, ये एक electron lose करेगा तो neon की तरह बनेगा. That means simply कि अगर हम ions की बात करें, they will form monovalent ions, monovalent cations, Li positive, Na positive, K positive, Rb positive, Cs positive. ठीक है ना? तो अगर हम इनके ionic sizes की बात करें, down the group, इनमें भी obviously क्या होगा? इनका भी ionic size बढ़ेगा. The order will be the same. That means अगर हम ionic size की बात करें, ionic size down the group, ionic size down the group also increases. ठीक? तो that means lithium positive से बड़ा होगा Na positive, उससे बड़ा होगा K positive, उससे बड़ा होगा Rb positive, then उससे बड़ा होगा Cs positive. ठीक है? तो this was the brief introduction about the atomic sizes or the ionic sizes of alkali metals. ठीक है? कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं. Let's move ahead. Ionization energy. ठीक? Delta HIE, delta HI, और इसको हम सिंपली IE से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है? तो सबसे पहले व्हाट डू वी मीन बाय आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाट आयनाइजेशन एनर्जी इज. ठीक है? क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी? वेरी सिंपल, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम. ठीक? नाउ जिस एटम के अंदर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ ज्यादा टाइटली हेल्ड होगा, ठीक है, वो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने नहीं देगा. उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी. ठीक है? सो मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोर विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी. लेस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है? नाउ अगर मैं बात करूं अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी की, ठीक है, यू नो अल्कली मेटल्स का साइज पूरे पीरियड में क्या होता है? सबसे बड़ा. तो अगर साइज सबसे बड़ा है, अगर साइज सबसे बड़ा है, तो दैट मींस उन एटम्स के अंदर न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस काफी ज्यादा होगी. डिस्टेंस काफी ज्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम होगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इजी होगा. यानी अगर हम कंपैरेटिवली बात करें पूरे पीरियड में इनका साइज बड़ा होने की वजह से इनसे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना सबसे आसान रहता है. ठीक है ना? तो सिंपली मैं क्या कहूंगा, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो दे हैव द लोएस्ट ionization energy in a period. Lowest ionization energy in a period. ठीक है? पूरे period में सबसे lowest ionization energy किसकी होती है? Alkali metals की होती है. ठीक? Reason क्या है? Because of the largest atomic size. उससे क्या होगा? जितना साइज ज्यादा होगा न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूरी पे होगा, अट्रैक्शंस कम होंगी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इजी हो जाएगा. ठीक है? नंबर सेकंड थिंग, व्हाट विल हैपन टू द आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप. शाबाश, अभी मैंने बताया डाउन द ग्रुप साइज का क्या होता है. साइज बढ़ेगा तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, अट्रैक्शन कम होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, कम एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है? तो क्या मैं सिंपली बोल सकता हूं डाउन द ग्रुप ionization energy decreases
डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक, तो सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? सीजियम की। तो ऑर्डर क्या होगा आयनाइजेशन एनर्जी का? सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी अमंग द अल्कली मेटल्स होगी लिथियम की, उसके बाद सोडियम, उससे कम पोटेशियम, उससे कम रुबिडियम, और सबसे कम किसकी होगी? सीजियम की होगी। ठीक है, सीजियम जल्दी से इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा, ठीक है ना, जल्दी से देता है। ठीक है, नाउ अगर हम सीजियम की बात करें तो सोलर पैनल्स में सीजियम का इस्तेमाल होता है, सो दैट जब सोलर लाइट इसके ऊपर पड़ती है उसके अंदर जो एनर्जी होती है दैट इज सफिशिएंट एनफ टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सीजियम मेटल। क्लियर, ठीक है ना। सो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज। सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी? लिथियम की। सबसे लोएस्ट किसकी होगी? सीजियम की। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आईई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड का क्या होगा? हम बात कर रहे थे आईई फर्स्ट की, ठीक है। देयर इज अ जनरल ट्रेंड, वी नो आईई टू जो है वो हमेशा ज्यादा होता है किससे? आईई वन से। ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को, दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल होता है। मगर इसके केस में IE2 इज वेरी वेरी हायर देन IE1। बिल्कुल सिंपल रीजन है, मैं अगर एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम, सोडियम से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Na पॉजिटिव में, ठीक, प्लस इट विल गिव इलेक्ट्रॉन। इसके लिए मुझे क्या लगेगी? IE1। नाउ इफ आई लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आई विल राइट द शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 1। एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 2 एंड 8। ठीक, अब अगर मैं चाहता हूं सोडियम पॉजिटिव से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? Na2 पॉजिटिव में। उसके लिए क्या लगेगी? IE2। बट इफ यू लुक एट Na पॉजिटिव, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो कन्फिग्रेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6, एंड यू नो दिस इज द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। ठीक, तो अगर आपको एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है कहां से निकालना है? वेरी स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से, तो जो कि ये अलाउ नहीं करेगा। सो इफ यू वांट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन यू हैव टू सप्लाई अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। इनफैक्ट अल्कली मेटल्स दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना पसंद करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस प्रोसेस में काफी ज्यादा एनर्जी लगेगी और काफी ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट होगी। ठीक, इसीलिए हमेशा अल्कली मेटल्स क्या करते हैं? शाबाश, वो हमेशा सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, एक मोनोवैलेंट कैटायन बनाते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है, शाबाश। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव और मेटालिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव और मेटालिक कैरेक्टर आपको ऑलरेडी पता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स किन को कहते हैं? शाबाश, उन एलिमेंट्स को जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। ठीक है, तो अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करें, अभी हमने कहा अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, दे आर ऑलवेज रेडी टू गेट रिड ऑफ दैट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करें, आर दे इलेक्ट्रो पॉजिटिव? यस, डेफिनेटली दे आर हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्योंकि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी होते हैं। ठीक है ना, सो दे आर हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, एंड इनफैक्ट जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं उन्हीं को हम मेटल्स भी कहते हैं। ठीक है ना, मेटल्स को हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो मेटल वो होता है जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा, नॉन मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है। ठीक, सो वी कैन से कि अल्कली मेटल जो होते हैं दे आर हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव। व्हाई आर दे हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव? व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज वेरी सिंपल, लो आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी काफी कम लगती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकल जाता है। दे एक्ट एज हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक, नंबर सेकंड, दे शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स, शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स, जो भी मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं अल्कली मेटल्स वो सारी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जैसे दे आर मेलिएबल, मेलिएबल का मतलब दे कैन बी ड्रॉन इन टू शीट्स, हम इनके शीट्स बना सकते हैं अपॉन हैमरिंग। ठीक है, दे आर डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब दे कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स, हम उनकी वायर्स बना सकते हैं। दे आर गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड
इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और मेटल्स की अगर हम हार्डनेस की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, मेटल्स की अगर हम हार्डनेस की बात करें, मेटल्स नॉर्मली क्या होते हैं, दे आर हार्ड, ठीक है, बट अल्कली मेटल्स जो होते हैं दे आर सॉफ्ट इन नेचर। याद रखिएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अल्कली मेटल्स जो होते हैं दे आर सॉफ्ट मेटल्स, ऑल्दो दे आर मेटल्स बट इनके अंदर हार्डनेस नहीं होती है, बल्कि ये क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स, इतने सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद ए नाइफ, दे कैन बी कट विद ए नाइफ, इनको हम एक चाकू से भी बिल्कुल आसानी से काट सकते हैं। आयरन आपने देखा है, आयरन को हम चाकू से नहीं काट सकते, आयरन बहुत हार्ड होता है, कॉपर बहुत हार्ड होता है, ठीक है ना। लेकिन अल्कली मेटल्स सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ठीक है ना, ये बिल्कुल बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनको हम सिंपली किससे काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, ठीक है ना। नाउ द थिंग इज द क्वेश्चन अराइजेस, इनमें ऐसा क्या है जिनसे ये बाकी मेटल से डिफरेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ दियर रिजिडिटी और इन टर्म्स ऑफ दियर हार्डनेस, ठीक है ना। नाउ यू नो हार्डनेस और सॉफ्टनेस, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टी स्किन पे डिपेंड करती है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस पे, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, फोर्सेस पे, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस पे। जितने इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे उतने वो काफी नजदीक होंगे, ठीक है, उतने वो काफी नजदीक होंगे, जितने वो नजदीक होंगे उतना उनकी रिजिडिटी काफी ज्यादा होगी, बहुत सारे एटम्स एक कम वॉल्यूम में होंगे जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी भी काफी ज्यादा होती है और साथ में वो रिजिड भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं, ठीक। मगर ये हमारे जो अल्कली मेटल्स हैं ये सॉफ्ट क्यों होते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले अंडरस्टैंड करना है इन मेटल्स के अंदर किस तरह के फोर्सेस होते हैं, इनमें किस तरह की बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। तो हमें आगे डिस्कस करेंगे अब हम कि इनके अंदर किस तरह की बॉन्डिंग होती है। मेटल्स के अंदर होता है एक स्पेशल तरीके का बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एज ए मेटालिक बॉन्ड। तो अगर हमें मेटालिक बॉन्ड अंडरस्टैंड हुआ, मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड से किस तरीके के फोर्सेस होते हैं, वी विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन कि व्हाई दीज मेटल्स आर सॉफ्ट ऑल्दो दे आर मेटल्स, ठीक है ना। जैसे कि बाकी मेटल्स हार्ड होते हैं, ये हार्ड क्यों नहीं होते हैं, ठीक है। मेटालिक बॉन्ड किसको कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थियरीज दी गई है। सिंपलेस्ट थियरी जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन सी थियरी, इलेक्ट्रॉन सी थियरी, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। देखिए सिंपली मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा मेटालिक बॉन्ड होता क्या है, व्हाट डज दिस इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी से अबाउट द मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। मेटालिक बॉन्डिंग सिंपली कहता है, या इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी सिंपली कहता है कि अगर मैं कोई भी मेटल उठा के देख लूं, कोई भी मेटल का पीस ले लूं, ठीक है ना, उस मेटल के पीस के अंदर क्या मिलेंगे, मेटल के एटम्स, ठीक है। अगर मैं किसी भी सबस्टेंस को लेता हूं वो उनके एटम्स का बना होगा, वैसे ही अगर मैं मेटल को उठा के देख लूं, सोडियम को ले लूं या आयरन को ले लूं, आयरन किसका बना होगा, आयरन के एटम्स का, सोडियम बना होगा सोडियम के एटम्स का, ठीक है ना। बट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी मेटल्स के क्रिस्टल्स में क्या सिचुएशन होती है वो हमें देखनी है। मेटल्स के क्रिस्टल्स में सिचुएशन इस तरीके से होती है कि वहां पे एटम्स एटम्स की हालत में नहीं होते हैं, वहां पे एटम्स एटम्स की हालत में नहीं होते हैं। व्हाट डज दैट मीन, एटम्स एटम्स की हालत में नहीं होते हैं, लेट्स हैव अ लुक। यू नो हमने अभी बताया कि जो मेटल्स होते हैं दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, जिसकी वजह से इनका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी जब भी हम किसी भी मेटल का क्रिस्टल उठा के देखते हैं उसके अंदर जो मेटल होता है उसने इलेक्ट्रॉन्स को ऑलरेडी क्या किया होता है, उसने इलेक्ट्रॉन्स को ऑलरेडी बाहर निकाला होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, इसीलिए तो आप हमेशा कहते आए हो कि मेटल के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। और अंदर क्या रहता है, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन निकालेगा अंदर क्या बचेगा, शाबाश, अंदर बचेगा ना एक आयन, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली एक मेटल के अंदर एटम्स एटम्स की हालत में नहीं होते हैं, बल्कि वहां पे पीछे बच जाता है एक पॉजिटिव चार्ज्ड आयन और उसने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले होते हैं, ठीक है। इस पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल को, जो कि एक मेटलिक क्रिस्टल में होता है, उसको हम नाम देते हैं कर्नल, वी कॉल इट एज ए कर्नल। सो व्हाट इज ए कर्नल,
कर्नल साहब नहीं, दिस इज कर्नल, मेटालिक कर्नल. सो व्हाट इज अ मेटालिक कर्नल? मेटालिक कर्नल सिंपली वो एटम होता है जिसने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला होता है एक मेटालिक क्रिस्टल के अंदर. जो पीछे रहता है इलेक्ट्रॉन के बगैर उसको मेटालिक कर्नल कहते हैं. क्लियर? ठीक है ना. नाउ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा. Now, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की फॉर एग्जाम्पल बात करूं, दिस इलेक्ट्रॉन, ये असल में फॉर एग्जाम्पल इस मेटल का था, लेकिन जैसे ही मेटालिक क्रिस्टल की हमने बात की, मेटालिक क्रिस्टल में इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव. ये इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते रहते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है ना. इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे नहीं होंगे, ये गैस मॉलिक्यूल्स की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं रैंडम मोशन में. ठीक है. नाउ इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी क्यों कहते हैं? इट अपीयर्स एज इफ एक इलेक्ट्रॉन के समंदर में ये पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल कर्नल्स डिप हुए हैं, जैसे ओशियंस में आइसबर्ग्स होते हैं. ठीक है ना. आइसबर्ग्स इन सी वाटर, ओशियन. इसी तरीके से इट अपीयर्स दैट इन अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल कर्नल्स आर डिप्ड इन. ठीक है ना. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी. ठीक. अब जो मेटालिक बॉन्ड किसको कहते हैं वो समझना है हमें. ध्यान दीजिएगा इधर, ये जो इलेक्ट्रॉन है असल में ये फॉर एग्जांपल ये इस मेटल का इलेक्ट्रॉन था, लेकिन जैसे ही इसने इसको फ्री कर दिया, अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर सिर्फ इसी कर्नल का अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये वाला कर्नल भी अट्रैक्ट करेगा, ये वाला कर्नल भी अट्रैक्ट करेगा, ये वाला कर्नल भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा. जितने भी इसके इर्द गिर्द कर्नल्स हैं वो सारे कर्नल्स इस मोबाइल इलेक्ट्रॉन को साइमल्टेनियसली अट्रैक्ट करते हैं. ठीक. इसी तरीके से एट द सेम टाइम एवरी मेटालिक कर्नल, अगर मैं इस मेटालिक कर्नल की बात करूं, इसका फॉर एग्जांपल ये अपना इलेक्ट्रॉन था, अब इस कर्नल को सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं करेगा, इसको ये भी इलेक्ट्रॉन भी अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी अट्रैक्ट करेगा. जितने भी इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन है वो इसको साइमल्टेनियसली अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है ना. मेटालिक बॉन्ड इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं. बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूं, मेटालिक बॉन्ड इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं विच एग्जिस्ट्स बिटवीन मेटल कर्नल्स एंड द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है ना. मेटल कर्नल्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज होता है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नाम देते हैं मेटालिक बॉन्ड. सो हाउ डू वी डिफाइन ए मेटालिक बॉन्ड? वेरी सिंपल. इन ए मेटालिक क्रिस्टल द मेटल In a metallic crystal, the metal atoms lose their electrons and result in the formation of metal kernels and mobile electrons. The force of attraction that holds the metal kernels with the mobile electrons is what we call as a metallic bond. ठीक है. अब now the important thing is, समझ में आ गया metallic bond क्या होता है? अब हम ये समझेंगे कि ये metallic bond कब ज्यादा strong होगा, कब weak होगा. ठीक है. Simply metallic bond है क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कर्नल्स एंड द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. जितना ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना मेटालिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. ठीक. जितना ये कम होगा उतना ये मेटालिक बॉन्ड वीक होगा. और जितना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी रिजिडिटी ज्यादा होगी, उतनी हार्डनेस ज्यादा होगी. जितना मेटालिक बॉन्ड वीक होगा उतना रिजिडिटी कम होगी, वो सॉफ्ट होगा. ठीक है. अनदर थिंग इज, ये मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा? है क्या मेटालिक बॉन्ड? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो जो फैक्टर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाएगा वो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा. नाउ मोबाइल इलेक्ट्रॉन और इन कर्नल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होगा ज्यादा? दो चीजों पे डिपेंड करता है. नंबर वन, चार्ज, चार्ज ऑन मेटल कर्नल्स, चार्ज ऑन मेटल कर्नल्स, चार्ज ऑन मेटल कर्नल्स. ठीक है. जितनी मेटल कर्नल की चार्ज ज्यादा होगी, ठीक है, उतना यह इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा क्या करेगा? ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनेगा. नंबर सेकंड थिंग इज साइज, साइज ऑफ कर्नल्स, साइज ऑफ कर्नल्स. ध्यान दीजिएगा, साइज ऑफ कर्नल्स. देखिए, जितना ये कर्नल का साइज बड़ा होगा, जितना कर्नल का साइज बड़ा होगा उतनी इसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी. ठीक है ना. जितनी चार्ज डेंसिटी कम होगी, ये न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन से उतना दूर होगा, तो दैट मीन्स इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगी. सॉरी, इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगी. साइज बढ़ेगा तो डिस्टेंस बिटवीन मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस ऑफ द कर्नल विल इंक्रीज. जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी उतना मेटालिक बॉन्ड जो है वो वीक होगा. ठीक है. तो साइज ऑफ द कर्नल जितना बड़ा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी कम होगी. ठीक. अब चलते हैं हम वापस अपने अल्कली मेटल्स की तरफ. ठीक है. हमने अभी बताया अल्कली मेटल्स का पूरे पीरियोडिक टेबल में हर किसी पीरियड में सबसे बड़ा साइज होता है. ठीक.
तो ऑब्वियसली उसके कर्नल्स का भी साइज क्या होगा, बड़ा होगा। अगर कर्नल्स का साइज बाकी मेटल्स के कर्नल्स के मुकाबले में बड़ा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कर्नल एंड द मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। तो दैट मींस इन केस ऑफ अल्कली मेटल्स, इन केस ऑफ अल्कली मेटल्स मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज वीक व्हाई, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ कर्नल्स, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ कर्नल्स, ठीक। व्हेन द मेटालिक बॉन्ड इज वीक ऑब्वियसली इनका स्ट्रेंथ कम होगा, ये उतने हार्ड नहीं होंगे, ये सॉफ्ट होंगे, क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट विल हैपन टू द मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप, मेटालिक कैरेक्टर का डाउन द ग्रुप क्या होगा। मेटालिक कैरेक्टर और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ दो चीजें हैं, याद रखिएगा। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं एक बार कह रहा हूं, एक अभी तक हमने क्या बात की, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की। डाउन द ग्रुप मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या होगा, शाबाश, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ का डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज ऑफ द कर्नल्स और बड़ा होता जाएगा, और बड़ा होता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होते जाएंगे, ठीक। नाउ द थिंग इज व्हाट विल हैपन टू द मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर ठीक, मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन रिमूवल इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूवल जो होगा वो ज्यादा फीजिबल होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन होगा अल्कली मेटल्स में, सीजियम। क्यों, सीजियम का साइज बड़ा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम है, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, उसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, लेकिन उसके मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी, ठीक है ना। मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेटालिक कैरेक्टर और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन है, इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। जिसका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसका मेटालिक कैरेक्टर कम होगा। लिथियम का मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि उसके कर्नल्स का साइज सबसे छोटा होगा, लेकिन उसका मेटालिक कैरेक्टर जो है वो सबसे कम होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक, आई होप द थिंग्स आर क्लियर, ठीक है। सो हमने सिंपली कहा कि दे आर सॉफ्ट मेटल्स दैट दे कैन बी कट इवन विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ, व्हाई सो, द रीजन इज दैट कि इनके अंदर मेटालिक बॉन्ड वीक होता है। मेटालिक बॉन्ड होता क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल कर्नल्स एंड द दीज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि इनके मेटल कर्नल्स का साइज बड़ा होता है, उनका मेटालिक बॉन्ड वीक होता है, नीचे जाने पे कर्नल्स का साइज बढ़ेगा, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ और कम होती जाएगी, मगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। सो मेटालिक कैरेक्टर एंड मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, क्लियर, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मेटालिक बॉन्ड पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है ना, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिर से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे। तो अगर हम अल्कली मेटल्स के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यानी मेटालिक बॉन्ड की बात करें, उनका मेटालिक बॉन्ड वीक होता है, मेटालिक बॉन्ड वीक होता है तो इनके एटम्स को दूर दूर करना आसान होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा नहीं होता है जितना हम नॉर्मली मेटल्स के लिए एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक। सो मेटालिक पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव लेस मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, लेस मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ वीक मेटालिक
बॉन्ड, वीक मेटालिक बॉन्ड, वीक मेटालिक बॉन्ड की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. व्हाट विल हैपन टू द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डाउन द ग्रुप? शाबाश, डाउन द ग्रुप मेटालिक बॉन्ड और वीक हो जाएगा, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स और कम हो जाएंगे. सो वी विल सिंपली से डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स दे विल डिक्रीज, दे विल डिक्रीज. ठीक, दैट्स व्हाई वी सी कि सीजियम मेटल जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है. ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट उसका बहुत ही कम होता है. मर्करी हमारा जो है वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही कम होता है. ठीक है ना, बहुत ही कम होता है. थोड़ा सा आपने रूम टेम्परेचर से इंक्रीज टेम्परेचर किया तो वो मेल्ट हो जाता है. ठीक, इसीलिए आप कभी कभी पीरियोडिक टेबल में उसको ब्लू कलर से देखते हैं. ब्लू कलर का मतलब होता है, ब्लू कलर का मतलब होता है कि इट्स अ लिक्विड, बट रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड नहीं होता है. रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर वीकेस्ट मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट है जो जल्दी से इसको मेल्ट या इसको बॉइल भी करवा सकता है. फाइन, ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोपॉजिटिव और द मेटालिक कैरेक्टर. फाइन, ठीक है ना. नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द डेंसिटी ऑफ अल्कली मेटल्स. ठीक, सबसे पहले अगर हम डेंसिटी की बात करें, यू नो डेंसिटी किसके बराबर होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक, मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, पहली बात जो आप याद रखेंगे वो ये कि अल्कली मेटल्स की डेंसिटी काफी कम होती है. दे हैव लो डेंसिटी, दे हैव लो डेंसिटी. इनकी डेंसिटी क्या होती है? कम. डेंसिटी किस पर डिपेंड करता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. सिंस आपको पता है इनका लार्जेस्ट साइज होता है, लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, लार्जेस्ट एटॉमिक साइज होता है, बड़ा एटॉमिक साइज होता है, जिसकी वजह से इनका एटॉमिक वॉल्यूम भी काफी ज्यादा होता है. ठीक है ना, सो दैट इज व्हाई दे हैव लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम्स, एटॉमिक वॉल्यूम्स. ठीक, सो बिकॉज ऑफ द लार्जर एटॉमिक वॉल्यूम्स देयर डेंसिटी इज वेरी लेस. ठीक है ना, ये बहुत ही लाइट होते हैं. ठीक, ये बहुत ही लाइट होते हैं. फाइन, ठीक है ना. सो दे हैव द लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम्स बिकॉज ऑफ विच देयर डेंसिटी इज वेरी लो. नाउ व्हाट विल हैपन टू द डेंसिटी डाउन द ग्रुप? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. डाउन द ग्रुप क्या होगा? डाउन द ग्रुप हम जब जाएंगे तो डाउन द ग्रुप मास भी बढ़ेगा, मास भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली वॉल्यूम भी बढ़ेगा. डाउन द ग्रुप मास भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा. ठीक है, बट यू विल रिमेंबर दैट डाउन द ग्रुप मास का इंपैक्ट ज्यादा होता है, मास का इंपैक्ट ज्यादा होता है. ठीक है ना, एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन वॉल्यूम. ठीक, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अगर मास ज्यादा होगा वॉल्यूम से तो डेंसिटी बढ़ जाएगी. डाउन द ग्रुप यू विल रिमेंबर, डाउन द ग्रुप डेंसिटी ऑफ अल्कली मेटल्स इट इंक्रीजेस. डाउन द ग्रुप the density of alkali metals goes on increasing. Theek, so what should be the order? What should be the order? The order should be, very important point we are discussing, lithium se zyada dense hoga sodium, sodium se zyada dense hoga potassium, potassium se zyada dense hoga rubidium, rubidium se zyada dense hoga cesium. Kyunki abhi humne kya bataya? Abhi humne bataya ki down the group mass ka impact zyada hota hai as compared to the impact of volume. Theek, but you will remember that here is an exception. Theek hai na, yahan pe ek exceptional case hai. Exceptional case kya hai wo aapko yaad rakhna hai. Yahan pe is jagah pe sodium potassium, sodium potassium ke case mein gadbad hai. Theek, actual order kya hai? You will remember actual order is this one. You will remember the actual order of densities. Lithium se zyada dense kaun hona chahiye? Sodium. Sodium se zyada dense hona chahiye potassium, but potassium sodium se less dense hota hai. This is the order: lithium, potassium, sodium, then you have rubidium and then cesium. Since there is an exception, it may be asked in your competitive exams, densities ka kya hota hai? पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से थोड़ी सी कम होती है. ठीक, नाउ द थिंग इज व्हाट इज द रीजन, हियर वी आर विद द एक्सप्लेनेशन. अगर मैं पोटेशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, ध्यान दीजिएगा इधर, पोटेशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, एटॉमिक नंबर 19, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, देन यू हैव 3s2, देन 3p6, देन 3D के अंदर फिलिंग नहीं होगी, बट स्टिल इट विल हैव 3D के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किसमें होगी? 4s1. ठीक है,
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d0, 4s1। ठीक, याद रखिएगा 4s के अंदर ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3p के बाद किसके अंदर फिलिंग होगी, 4s के अंदर। 4s क्योंकि एनर्जी में कम है एज कंपेयर टू 3d, अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल फर्स्ट 4s विल बी फिल्ड। ठीक, बट यू विल रिमेंबर 3d और 4s के दरमियान एनर्जी गैप उतनी ज्यादा नहीं होती है। ठीक है ना, एनर्जी गैप इज वेरी स्मॉल। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, अगर हम थोड़ी सी भी एनर्जी s इलेक्ट्रॉन को दे दे, वो s इलेक्ट्रॉन इसको प्रमोट करेगा किसमें, 3d में। s इलेक्ट्रॉन इसको प्रमोट करेगा 3d में। तो नॉर्मल टेम्परेचर्स पे क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर्स पे जो ये s इलेक्ट्रॉन है, ये नॉर्मल टेम्परेचर में एनर्जी हासिल करने के बाद कहां पे पहुंच जाता है, 3d के अंदर पहुंच जाता है। ठीक, क्लियर हो रही है बात। असल में इलेक्ट्रॉन कहां पे होना चाहिए, 4s में, 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, बट सिंस इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस काफी कम है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली प्रमोटेड फ्रॉम 4s टू 3d। अगर इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में चला गया, यू नो 3d सबशेल, 3d ऑर्बिटल जो होते हैं दे आर डबल डंबल, ठीक है, दे आर डबल डंबल, और 3d का एटॉमिक साइज, सॉरी 3d का साइज, ऑर्बिटल्स का साइज s के मुकाबले में क्या होता है, ज्यादा फैला हुआ होता है। 3d ऑर्बिटल इज मोर डिफ्यूज्ड इन द एनवायरमेंट, ठीक है ना, अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक, अराउंड द न्यूक्लियस से ज्यादा डिफ्यूज होता है। इस ज्यादा डिफ्यूज होने की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन s के बजाय d में चला गया, नाउ इस इलेक्ट्रॉन को घूमने फिरने के लिए काफी स्पेस मिलेगी, ये न्यूक्लियस से काफी दूर जा सकता है, दैट मींस इसका वॉल्यूम, एटम का वॉल्यूम एज ए होल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो अगर वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से डेंसिटी का क्या हो जाएगा, थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक, सिंस इट्स एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड फेनोमेना, वी आर जस्ट गिविंग द एक्सप्लेनेशन, एंड दिस इज द मोस्ट प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन जो बोला जाता है कि इसकी डेंसिटी कम क्यों होती है। सो व्हाई इज द डेंसिटी ऑफ पोटेशियम लेस देन द डेंसिटी ऑफ सोडियम, द रीजन इज दैट इन केस ऑफ पोटेशियम, सिंस देयर इज एन अवेलेबल 3d सबशेल एंड देयर इज अ वेरी स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन 3d एंड 4s, द इलेक्ट्रॉन कैन बी इजिली प्रमोटेड फ्रॉम 4s टू 3d, एंड इफ द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द 3d, इट इज मोर डिफ्यूज्ड अराउंड द न्यूक्लियस, सो बिकॉज ऑफ व्हिच द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एटम इंक्रीजेस एंड अकॉर्डिंग टू व्हिच द डेंसिटी शुड डिक्रीज। दैट्स व्हाई पोटेशियम की डेंसिटी जो है वो सोडियम के मुकाबले में कम होती है। रिमेंबर दिस ऑर्डर, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। ठीक, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, टिल देन थैंक यू वेरी मच।